ओके नाउ लेट्स डील विद दिस NO2 minus से हमें नॉर्मली वी वुड गेट NO2 एंड अप टू एन एक्सटेंट कुछ HNO2 ही मिलता है। मैंने वहाँ पे लिखा नहीं था क्योंकि बहुत कम मिलता है। देखिए इसका मैं आपको एग्जैक्टली एक एग्जांपल देता हूँ, ये भी बड़ी काम की चीज़ है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अभी इसके बाद में मैं रिएक्शन डील करूंगा। फॉर एग्जांपल मान लो NaNO2 मैंने लिया सोडा एक्सट्रैक्ट वाला फॉर्म, इसकी रिएक्शन करवाई है सपोज डायलेट SO4 के जो इसका ग्रुप एजेंट है, मेरे पास क्या बनेगा? आई विल ऑब्वियसली गेट Na2SO4 प्लस HNO2। अब ये जो प्लस HNO2 वाला पार्ट है ये आगे फर्दर दो रिएक्शन में बिहेव करता है। यहाँ पे मैं रेड मार्कर से मार्क कर रहा हूँ, लेसर एक्सटेंट एंड ग्रेटर एक्सटेंट। और यहाँ बताता हूँ इसका क्या मीनिंग है, जस्ट लुक एट दिस, लेसर एक्सटेंट एंड ग्रेटर एक्सटेंट। ये खुद अनस्टेबल होता है, इसको भी रेड मार्कर से लिख देता है, बींग अनस्टेबल फर्दर डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन, बीइंग अनस्टेबल फर्दर डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा सॉरी, लेसर एक्सटेंट पे बनाएगा वाटर प्लस N2O3। आप ध्यान से देखिए N2O3 इज द एसिड एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 इटसेल्फ, तो कुछ नहीं किया, डिहाइड्रेट हो गया एक्चुअली ये ऑन स्टैंडिंग या ऑन स्मॉल हीटिंग जो कि हम कर रहे हैं हमने। ग्रेटर एक्सटेंट पे बनाता है HNO3 प्लस H2O एंड प्लस NO। NO यहाँ पे कलरलेस गैस की कैटेगरी में आती है। NO की जैसी रिएक्शन होगी O2 के साथ में, इट विल फर्दर प्रोड्यूस NO2 फॉर मी, इसकी ब्राउन फ्यूम्स आ जाएंगे, आई विल गेट ब्राउन फ्यूम्स ऑफ दिस। तो अच्छा, ये जो N2O3 बनता है, दिस N2O3 इज एक्चुअली पेल ब्लू लिक्विड। ये जो ब्लैक मार्कर से मैं लिख रहा हूँ ये बहुत काम की चीज़ है, उसको ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि भाई मेरे पास HNO2 है या पेल ब्लू लिक्विड है, तो वो HNO2 का हो सकता है, N2O3 का कलर पेल ब्लू लिक्विड होता है, ये कलरलेस होता है। लेकिन ये एक्वस सॉल्यूशन में एज इट इज रिटेन नहीं करेगा, ये इस फॉर्म में रिटेन करेगा और इसकी वजह से कुछ पेल ब्लू लिक्विड कलर आ सकता है। और मोस्टली तो ये ब्राउन फ्यूम्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, तो फाइनली ये वाला जो NO2 है इसी को लिखा जाता है। कुछ पार्ट HNO2 का भी होता है, जैसे अभी भी प्रोड्यूस हुआ, तो फाइनली लार्जर एक्सटेंट पे वो NO में कन्वर्ट होता है। वो NO इमीडिएटली, ये एयर है, ये जो O2 है दिस इज एयर, तो वो इमीडिएटली एयर से रिएक्ट करता है, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, हाईली रिएक्टिव होता है, इमीडिएटली एयर से रिएक्ट करके NO2 फॉर्म कर देता है, NO2 की ब्राउन फ्यूम्स होती है। ज्यादातर हम NO2 पे यहाँ पे बात करते हैं, बट वो एक्चुअली कुछ HNO2 भी प्रोड्यूस हो रहा होगा जो N2O3 के फॉर्म में भी हो सकता है, ट्रेसेस, राइट। अच्छा, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब इसकी उस रिएक्शंस की बात कर लेते हैं जो रेगुलर रिएक्शंस हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट्स। देखिए इसके अब कौन कौन से कंफर्मेटरी टेस्ट यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। नंबर 1, पोटेशियम आयोडाइड ऑब्लिक स्टार्च। नंबर 2, ब्राउन रिंग। नंबर 3, BaCl2। नंबर 4, AgNO3। नंबर 5, MnO4 नेगेटिव। नंबर 6, I नेगेटिव ऑब्लिक स्टार्च तो मैं ऑलरेडी शायद ऊपर लिख ही चुका हूँ। देन NH4Cl। अब देखिए जो क्वाइट ऑब्वियस रिएक्शंस हैं यहाँ पे, वो तो सबसे पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ एज इट इज, और उसके बाद बाकी के रिमेनिंग रिएक्शंस हम कंप्लीट करेंगे। सो लेट मी सी, NO2 अगर I नेगेटिव से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? I2 बनाएगा, जो कि आगे फर्दर स्टार्च के साथ में रिएक्ट करके ISC स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो कि ब्लू होता है, वी नो इट वेरी वेल। ब्राउनिंग टेस्ट डिटेल टेस्ट है, मैं भी सेपरेटली बात करता हूँ इसके बारे में। BaCl2 के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? BaCl2 के साथ मिलकर के कुछ नहीं बनाएगा, बेरियम नाइट्राइड बनाएगा, BaNO2 वोल्टवाइज, जो कि सॉल्यूबल होता है, इमीडिएटली डीकम्पोज हो जाएगा अभी बेरियम 2 प्लस और NO2 माइनस में, तो एक्चुअली कोई रिएक्शन ही नहीं होगी यहाँ पे, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, हाईली सॉल्यूबल सॉल्ट है। AgNO3 के साथ में रिएक्ट करके फाइनली क्या बनाएगा? AgNO3 के साथ में रिएक्ट करके AgNO2 का PPT बना देगा, अनस्टेबल PPT होता है, बट ठीक है फाइनली बन जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट होता है इसका,
AgNO2 का वाइट पीपीटी बनाया है। MnO4 नेगेटिव के केस में मैं क्या कहूंगा, MnO4 नेगेटिव के केस में तो रेगुलर हर एक के केस में चाहिए ये वो चाहिए। MnO4 नेगेटिव इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो इसके केस में तो डीकलराइज द सॉल्यूशन हमेशा यही आता है। डीकलराइज द सॉल्यूशन से मेरा मीनिंग क्या है कहने का, ये जो MnO4 नेगेटिव खुद होता है ये पर्पल ऑब्लिक वायलेट होता है। MnO4 नेगेटिव इटसेल्फ वुड बी पर्पल ऑब्लिक वायलेट, और फाइनली जो बनेगा यहाँ पे Mn2+ बन जाएगा जो कि कलरलेस होगा। ऑब्वियसली प्लस साथ में NO3- बनेगा, NO2- ऑक्सीडाइज होकर के फर्दर NO3- में कन्वर्ट हो जाएगा, देयर इज नो डाउट इन दैट राइट। वो तो हर एक के केस में यही है, पहले भी ने किया हुआ है, वो कौन सा था, सल्फर डाइऑक्साइड है, डीकलराइज द सॉल्यूशन, पहले पर्पल ऑब्लिक वायलेट था और बाद में डीकलराइज कर दिया उसने सॉल्यूशन को। NH4Cl आपके हिसाब से NH4Cl के साथ में क्या बनना चाहिए, मेरे हिसाब से तो NH4NO2 बनना चाहिए राइट। NH4NO2 बनने के बाद में एक और बड़ी काम की चीज है, ये जरा रब कर रहा हूं मैं, NH4NO2 इससे रिलेटेड नहीं है बट एक इंपॉर्टेंट चीज है वो बता देता हूं, ये रब कर रहा हूं। जैसे ही NH4NO2 बन जाता है दो सॉल्ट होता है NH4NO2 और NH4NO3, एक सॉल्ट है NH4NO2 दूसरा सॉल्ट है NH4NO3, तो NH4NO2 इमीडिएटली डीकम्पोज होता है N2+H2O में, और ये इमीडिएटली डीकम्पोज होता है N2O+H2O में, मतलब बाकी के बाई प्रोडक्ट्स हैं। ये मैंने कैसे डिटेक्ट किया, इसको डिटेक्ट करने का इनफैक्ट याद कर रखने का एक तरीका है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एवरेज आउट होती हैं। यहाँ पे जो NO2 होता है HNO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3, ये -3 में होती है प्लस, और यहाँ पे ये +5 में और ये -3 में। अगर आप इन दोनों को एवरेज आउट करना चाहेंगे तो ये आएगा 5-3/2 दैट इज इक्वल टू +1। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +1 ही है, और इन दोनों को अगर आप एवरेज आउट करना चाहेंगे तो बेसिकली क्या निकल करके आएगा, 3-3=0। आप देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी 0 ही है, ग्रीन मार्क का यूज कर रहा हूँ, ये देखिए +1 एंड देयर इज 0। तो याद रखने के याद रख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स एवरेज आउट होती हैं। तो बेसिकली अब हमारा जो टेस्ट था एक्चुअली NH4Cl को जब मैं डालूंगा तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन क्या होगी, मेरे पास ऑब्जर्वेशन होगी ये वाली नाइट्रोजन विच इज कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस की कैटेगरी में नॉन कम्बस्टिबल, नीदर सपोर्ट्स कम्बस्शन, नॉन कम्बस्टिबल है और कम्बस्शन को सपोर्ट भी नहीं करती, एग्री ओके।